शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तो माफ किया, भैया मैं माफी के साथ आपसे एक मौका भी चाहता हूं। मैं सुधरने का मौका चाहता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपके आदर्शों की तरह उन पर चलना चाहता हूँ, ताकि आप दादी माँ माँ पापा काव्य भाभी सबको सिर्फ घर वो मुझ पर कुछ ना। भैया मैं सबकी नजरों में गिर गया था, आज मैं आपसे सुधरने की मांगता हूँ, भैया प्लीज मेरा साथ देना। पहले तो तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए, गुड बॉय, एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हें मैं खुद से भी ज्यादा काबिल बनाऊंगा। करण, हमें इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, ताकि हमें जल्द से जल्द पता चले कि हवेली में ये गोली किसने चलाई। हाँ हाँ माजी, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर करण को कौन मारना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि जिस गोली पर करण का नाम लिखा था को मेरे बेटे ने खा ली, और इसीलिए करण आज जिंदा है। वो तो अच्छा हुआ कि जिस गोली पर करण का नाम लिखा था वो मेरे बेटे ने खा ली। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस से खुद बात करूंगा और पता लगा के रहूंगा कि इस कारनामे के पीछे किसका हाथ है। मेन का ख्याल रखना रॉकी का। करण, हमें लगता है रॉकी को अब आराम करने देना चाहिए। जी दादी माँ, हम चलते हैं। महादेव, रॉकी चाहे लाख बुरा, आज उसने जो किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। महादेव, मैं दोबारा विधवा होने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरे करण की रक्षा कीजिएगा महादेव, मेरे करण की रक्षा कीजिएगा।
अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए मैं 108 बार महामृत्युंजय का जाप करूंगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी प्लानिंग करण को मारने की थी, फिर गोली अपने पे क्यों ले ली? और खुद पर गोली खाकर क्या साबित करना चाहते थे तुम? हाँ, कितना डर गई थी मैं, कितना घबरा गई थी, कुछ हो जाता तो? हाँ, अरे मेरे प्यारे मॉम एंड डैड, शायद आप भूल गए हमारा असली मकसद क्या था। जस्ट इनके आप दोनों भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, हमारा असली मकसद था करण और दादी के नजदीक जाना। बस एक दफा मैं इन दोनों को शीशे में उतार लूं, उसके बाद आप देखिएगा मैं कैसे इस आलीशान हवेली और सारे बिजनेसेस पे कब्जा कर लेता हूँ। और जहां मैंने इन सब पे कब्जा कर लिया तो चुटकी मार के इन लोगों को धक्के मार के हवेली से बाहर निकाल दूंगा। धक्के मार के बाहर निकाल देना। शाबाश। बस 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 ना, ज्यादा शाबाशी देने की जरूरत नहीं है। अरे इस गोलीकांड के सिलसिले में अगर पुलिस घर पर आएगी तो सोचा है क्या कहेंगे? मेरी मूली माँ, जब भी रॉकी कोई प्लानिंग करता है ना, फुल प्रूफ करता है। अरे करने दीजिए इन पुलिस वालों को जांच पड़ताल, कुछ सबूत नहीं मिलेगा। ये जो शक की सुई है ना, आपके बेटे रॉकी पे बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये कौन हो सकता है जिसने ये हमला करवाया? करण, आप तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल कीजिए। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हमें चैन नहीं मिलेगा। जी दादी। हेलो। हाय इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, मुझे कुनाल गायत्री सिंह पर शक है। इससे पहले भी उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। क्षमा चाहूंगा मिस्टर करण, आपका शक गलत है, क्योंकि कुनाल अभी भी पुलिस हिरासत में है और हमने उस पर कड़ी निगरानी रखी है। जब से यहाँ आया है उसने ना तो किसी से संपर्क किया है और ना ही कोई उससे मिलने आया है। तो और कौन हो सकता है? हो सकता है बिजनेस राइवलरी के कारण किसी ने आप पर गोली चलवाई हो। ऐसा कौन है? वैसे आप टेंशन मत लीजिए, हम तुरंत अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। क्या कहा है इंस्पेक्टर ने? उन्होंने कहा कि कुनाल पे शक करना बेकार है। नहीं करण, वो बहुत शातिर आदमी है, कुछ भी कर सकता है। हमें तो पूरा शक है कि उसने पुलिस को चकमा देकर जरूर किसी से कहलवाकर ये काम किया होगा। दादी माँ, जिसने भी ये काम करवाया है वो बचेगा नहीं। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। काव्या और करण के इस खूबसूरत
खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।